डिस्कवर इंडिया बाय रोड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको एक काफ़ी रहस्यमय जगह पर लेके जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अक्सर हम जब छुट्टियों में कुल्लू मनाली जाते हैं तो हम क्या मिस कर जाते हैं। जी हाँ, कुल्लू मनाली हम सब जाते हैं, जहाँ पर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, घूमते फिरते, रैपलिंग है, बर्फ़ का मज़ा लेते हैं। लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, और उस स्थान का नाम है पराशर। और इसे रहस्यमय क्यों कहा जाता है अगर आपको ये जानना है तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पराशर जाने के लिए आपको कुल्लू मनाली से पहले मंडी करके एक जगह आती है, वहाँ पर पहुँचना होगा। मंडी से करीबन 50 से 53 किलोमीटर ऊपर यह स्थान है, जहाँ पर आप अगर प्राइवेट कार से जाएँ तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से बग्गी करके एक जगह है जहाँ तक आपको बस मिलेगी, लेकिन वहाँ से भी करीबन 8-9 किलोमीटर आपको फिर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आपको कोई प्राइवेट व्हीकल मिलना मुश्किल है। और यह परिसर काफ़ी खूबसूरत पेड़ों से और नज़ारों से भरा हुआ है, तो यदि आप ट्रैकिंग भी करते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर ट्रैकिंग इतनी मतलब मुश्किल नहीं है, यहाँ पर अगर आप एमेचर या जो शुरुआती लेवल के ट्रैकर हो तो भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पगडंडियाँ बनी हुई है, क्योंकि गाड़ियाँ ऊपर तक जाती है। तो चलिए जानते हैं पराशर ऋषि के बारे में। पराशर ऋषि ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और मनु शक्ति के पुत्र थे, और माना जाता है कि उन्होंने यहीं पर काफ़ी घोर तपश्चर्या की थी। यह स्थान समुद्र की सतह से 9,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पर मंदिर के पास ही एक झील है जिसे पराशर झील कहा जाता है। इस झील की गहराई कितनी है यह आज तक कोई नाप नहीं पाया, लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर आसपास में जितने भी पेड़ थे, जब वह इसमें गिर गए तो पूरे के पूरे पेड़ उसमें समा गए। और अब हम बात करते हैं यहाँ के सबसे बड़े चमत्कार यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में। जी हाँ, यह जो झील है इसका आकार अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक आँख की तरह नज़र आएगा, और इसी के बीच में जैसे आँख के अंदर जो हमारी पुतलियाँ होती है उसी तरह का एक गोल भाग है जो तैरता रहता है। मतलब यह तैरता इस तरह से है कि यह किसी ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, और यह सुबह और शाम या कभी भी अपनी जगह बदलता रहता है। दिसंबर से मार्च तक यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ़ का साम्राज्य होता है, लेकिन उस समय भी यह झील जमती नहीं है। यह भी अपने आप में एक चमत्कार है दोस्तों। हमारा साइंस भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाया है, और यह स्थान पहले से ही वैज्ञानिकों के लिए एक चर्चा का विषय रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के जो पूर्वी राजा थे उन्होंने भी एक बार इस झील की गहराई नापने का प्रयत्न किया। उन्होंने रस्सी को एक वजनदार वस्तु से बांधकर इसके अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें असफलता ही प्राप्त हुई। कहा जाता है कि कुछ दशक पूर्व एक विदेशी महिला भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके इस झील में गई थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ अंग्रेजी में वार्तालाप करने वाला कोई नहीं था। इसके कारण पता नहीं चल पाया कि उसे इस झील की गहराई मिली या वो कितनी अंदर तक गई थी। तो आज तक यह झील एक रहस्य ही बन के रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आने के लिए आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उसी तरह अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हो तो एक आध दिन रुक भी सकते हो। पराशर ऋषि आश्रम में एक सराय भी है जो मंदिर द्वारा संचालित है, यहाँ पर आप वाजबी कीमत चुकाकर रुक सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मंदिर के पुजारी एवं व्यवस्थापक श्री जीवन ठाकुर या बलवीर ठाकुर से मिल सकते हो। उसके अलावा इस परिसर में आप कैंपिंग भी कर सकते हो। यह साइट अब कैंपिंग के लिए भी काफ़ी मशहूर हो गई है। यहाँ पर आप अपना खुद का टेंट लाकर भी कैंपिंग कर सकते हो, और या तो आप चाहो तो मंदिर व्यवस्थापन के पास भी टेंट्स उपलब्ध होते हैं जो आपको एक मामूली कीमत पर यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। पराशर ऋषि का मंदिर लकड़ी से बना हुआ है, और इसका निर्माण पगोड़ा शैली में किया गया है, और माना जाता है कि करीबन 14वीं या 15वीं सदी में उस समय के तत्कालीन राजा बाणसेन ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ पराशर ऋषि की मूर्ति भी स्थापित की गई है।
पराशर झील के पास हर साल अषाढ़ मास की संक्रांति एवं भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मेले लगते हैं। भाद्रपद में लगने वाला मेला पराशर ऋषि के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस समय यहाँ पर अनेक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस जानकारी से आपको यहाँ पर आने में कोई परेशानी नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि जब भी आप अगली बार मनाली या कुल्लू आएँ तो आप पराशर ऋषि ज़रूर आएंगे। और भी अगर आपको इस जगह से लेकर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत सफल है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप बेल नहीं दबाओगे तो हमारे अगले वीडियो के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से देखते रहिएगा डिस्कवर इंडिया बाय रोड दोस्तों। धन्यवाद।